नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर फरवरी 2011 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आप किसी भी हरियाणा का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हरियाणा करंट अफेयर है ये जरूर पूछी जाती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इससे पहले हमने जनवरी मंथ की जो क्वेश्चन किए थे, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में जो थ्री डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फरवरी जो जनवरी मंथ है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया है। तो ये जो हिफाजत अभियान है इनमें से किसके साथ ये शुरू किया गया है, तो यहाँ हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा पुलिस के साथ। और यह जो अभियान है बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ज्योति बैंदा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की जो ये चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है, तो चौथे नंबर की ये रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है, तो ये किस जिले में स्थापित की गई है। तो यहाँ हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, हिसार जिले में। तो प्रदेश में तीन जो रीजनल लैब है ये गुरुग्राम के भोंडसी में, रोहतक के सुनारिया और पंचकुला के मोगिनंद में पहले से ही संचालित है। और इसके अलावा जो करनाल जिला का जो मधुबन है इसमें भी मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब स्थित है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस शहर को नर्चिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है, तो ये इनमें से कौन सा है। इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोहतक। तो हरियाणा का जो ये रोहतक शहर है इसको स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहोर्ट के लिए चुना गया है, और इसके तहत देश के 25 शहरों को चुना गया है। और इसके तहत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बचपन अनुकूल पड़ोस को तैयार करना है। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई, तो कौन से नंबर की थी ये, तो ये थी ऑप्शन डी यहाँ पर 644वें नंबर की, 27 फरवरी को जो है यहाँ पर गुरु रविदास की 644वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है, तो बिजली बिलों के निवारण के लिए तो ये चलाई गई है यहाँ पर अपने बिल को जानो नाम से योजना। और ये जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है इसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनगर, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर ये जिले इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 के लिए चुनी गई है, तो मिस ग्रैंड इंडिया 2020 तो ये बनी है मनिका सयोकंद, ऑप्शन बी, और जिन जिले की ये रहने वाली है। और कोरोना के कारण जब मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई में वर्चुअल प्रेजेंट का ये आयोजन किया था। नेक्स्ट है मेरा पानी मेरी विरासत के जो ब्रांड एम्बेस्डर है ये इनमें से किन्हें बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ब्रांड एम्बेस्डर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेस्डर तो ये बने हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, मनिका सयोकंद। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है यहाँ पर दुष्यंत सिंह
चौटाला को और हरियाणा के ये उप मुख्यमंत्री हैं। और पंचकुला में जो है यहाँ पर TTI FI की ये जो 84वीं सालाना बैठक थी जिसमें यह चुनाव संपन्न हुए थे। और दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ₹50 करोड़ मिलेंगे, तो ये इनमें से किसे दिए गए हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर फरीदाबाद को। नेक्स्ट है हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड मिला है, तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में, तो ये दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट आएगा स्कॉच ने किस देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है, तो यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री में से किन्हें चुना गया है, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर अनिल विज को, और ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट आएगा देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, ये है ऑप्शन सी यहाँ पर चंडीगढ़ PGI में, जो दुर्घटना में अगर कोई अपना अंग गवा चुके होते हैं तो ऐसे मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की व्यवस्था भी यहाँ इसमें की गई है। नेक्स्ट है पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता था, तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें कांस्य पदक। तो ये जो क्वैथ जो है इसमें हुई थी शूटिंग फेडरेशन, क्वैथ की जो है शूटिंग फेडरेशन जो है इसके द्वारा आयोजित पहली ऐसी ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की यह निशानेबाज है मनु भाकर, इसने कांस्य पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है, तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर माधव कौशिक। तो इन्हें जो है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान हेतु चुना गया है, और चंडीगढ़ निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक श्री माधव कौशिक का इसके लिए चयन जा हुआ है। और पुरस्कार जो राशि है इसमें ये रहेगी 7 लाख रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर सुरेश गौतम को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है, तो 2017 के लिए चुना गया है डॉक्टर कमल किशोर गोयनको को, सी आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसमें भी जो पुरस्कार राशि है ये 7 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को। इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साधना सम्मान 2018 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है, तो ये रहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर मधुकांत और डॉक्टर संतराम देशवाल को। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है, तो 2017 के लिए चुना गया है यहाँ पर डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को, रोहतक के ये रहने वाले हैं, और पुरस्कार राशि है इसमें 5 लाख रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल को, और इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 2.5 लाख रुपये है, और कुरुक्षेत्र के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है,
तो 2018 के लिए चुना गया है यहाँ पर डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और डॉक्टर शील कौशिक को। इसमें भी पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2017 के लिए चुना गया है डॉक्टर रामफल चहल को। इसमें भी जो पुरस्कार राशि है ये 2.5 लाख रुपए है और रोहतक के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2019 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है। तो यह चुना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें गुलशन मदान और डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल को। और इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 2 लाख रुपए है और करनाल के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर रूप देवगुण और डॉक्टर राजकुमार निजात और पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। और ये जो बाल मुकुंद गुप्त जो है ये 2018 के लिए यहाँ पर चुने गए हैं और ये जो डॉक्टर रूप देवगुण जो है ये सिरसा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2017 के लिए जो चयन हुआ है ये रहेगा डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर दिनेश दतीची को। इसमें भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है और करनाल के रहने वाले हैं डॉक्टर अशोक भाटिया और कुरुक्षेत्र के हैं डॉक्टर दिनेश दधीची। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2019 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर सुरेश जांगिड को। पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए और कैथल के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2017 के लिए चुना गया है यहाँ पर विकेश निझावन को। पुरस्कार राशि रहेगी 2 लाख रुपए और अंबाला के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2019 के लिए चुना गया है यहाँ पर ऑप्शन बीस में रामफल गौड़ को। पुरस्कार राशि रहेगी 2 लाख रुपए और जींद के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जनकवि मेहर सिंह सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2019 के लिए ये है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें डॉक्टर बालकिशन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़ गुजर को। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जनकवि मेहर सिंह सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2018 के लिए चुना गया है यहाँ पर सत्यवीर नाहड़िया को। पुरस्कार राशि है यहाँ पर 2 लाख रुपए और ये हैं रेवाड़ी के रहने वाले। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जनकवि मेहर सिंह सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है। तो 2017 के लिए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए डॉक्टर महासिंह पूनिया। पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए और कुरुक्षेत्र के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रयोग के तौर पर हरियाणा के किस जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये शुरू हुआ है रोहतक में और शुरू में जा रोहतक समेत 10 शहरों को इसके इसमें जा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सहित कितने राज्यों ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा कर लिया है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 12 शहरों ने।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये जो है यहाँ पर कौन है, यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पी वी संजय कुमार। तो ये जो राष्ट्रपति जो है भारत के रामनाथ कोविंद, इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं पी वी संजय, इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार किन दो जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी मिली है? तो कौन से दो ज़िले हैं जिनको ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी मिली है? तो ये हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र और अम्बाला, और ये जो ब्रिक्स गेम है 2021 के ये भारत में होंगे, जिसमें हरियाणा में भी दो खेल प्रतियोगिताएं होंगी, कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अम्बाला में फुटबॉल मैच, तो ये आयोजित किए जाएंगे। और ये जो ब्रिक्स जो है ये पांच देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया था? तो ये था यहाँ पर पंचकुला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता हैं? तो ये हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, 189,17,901। नेक्स्ट है, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, बादशाहपुर। और 1 जनवरी 2021 तक जो है मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम जिले का बादशाहपुर है, तो ये गुरुग्राम जिले के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, तो हरियाणा का पूछा गया सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर नारनौल को, 1 जनवरी 2021 तक। और महेंद्रगढ़ जो ज़िला है उसका अंतर्गत आता है नारनौल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता है? तो सबसे अधिक जो मतदाता है ये फरीदाबाद में है, 1 जनवरी 2021 तक। 22 जिलों में फरीदाबाद में जो है सबसे ज़्यादा मतदाता है, और सबसे पहले नंबर पर फरीदाबाद है, और दूसरा नंबर भी एग्जाम में आ सकता है, तो दूसरा नंबर पर हिसार है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम मतदाता है? तो यहाँ पर सबसे कम पूछ लिया गया है, तो सबसे कम है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें, चरखी दादरी में, 1 जनवरी 2021 तक। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो पंचकूला जो है उसका नंबर आता है, पहले नंबर पर चरखी दादरी है, और जो दूसरा नंबर है इस पर पंचकूला है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब शुरू की गई है? 2 फरवरी, 9, 15 या 28 फरवरी को? तो यह शुरू हुई है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, 15 फरवरी को, 15 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2021 तक जो इसको संचालित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पर ये गौशालाओं के लिए है, तो ये रखा गया है यहाँ पर 2 रुपये। नेक्स्ट आएगा, ओलंपिक कैंप में देश भर के 37 मुक्केबाजों में हरियाणा से कितनी महिला मुक्केबाजी चुनी गई है? तो मुक्केबाज में कितने चुने गए हैं? तो ये रहेंगे 21, ऑप्शन सी। और अकेले हरियाणा से जो है यहाँ पर ये
21 महिला जो महिला बॉक्सर जो है इसके लिए चुनी गई हैं। नेक्स्ट है आदिबद्री और पेहवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, 14 से 16 फरवरी तक। नेक्स्ट है हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रावधान किया गया है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें 193.63 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार देगी, तो युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये देगी यहाँ पर युवा साहित्य पुरस्कार, आसानी से याद रख सकते हैं युवा साहित्यकार है तो युवा साहित्य पुरस्कार जो यहाँ पर देगी। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा, तो यह पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा, तो यह रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, पंचकुला में 1.83 एकड़ में जो इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये पोर्टल इनमें से कौन सा है, इसका नाम है ऑप्शन ए यहाँ पर स्किलिंग पोर्टल, और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का ये पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है, ये मिली है यहाँ पर ए प्लस की। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं, तो ये मिले हैं यहाँ पर ऑप्शन सी कैथल से, और ये जो सिक्के हैं इन पर 1918 की मोहर लगी है, और एक कुछ सिक्के इनमें से जो है 1877 के भी हैं, और 103 साल पुराने कुछ चांदी के सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, तो ये संस्कृति मॉडल स्कूल जो खोले जाएंगे तो किस स्तर पर, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सफाई कर्मचारियों को किस नाम से जाना जाएगा, तो इन्हें कहा जाएगा अब स्वच्छता दूत। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं के बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो पशु बीमा योजना के तहत तो ये जो लक्ष्य है ये रहेगा 10 लाख का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो ये इनमें से कौन है, तो ये बनी है मनीषा पायल, इन्होंने जो है ये सबसे ऊंची चोटी पर जो है रिकॉर्ड बनाया है, और मनीषा पायल जो हरियाणा का जो फतेहाबाद जो जिला है उसके गाँव बनावली की रहने वाली हैं, और 22 मई 2019 को एवरेस्ट फतह जो इन्होंने किया था, और मनीषा पायल को जिला फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये है ई फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन इनमें से किन्हें बनाया गया है, तो ये है आर के पचनंदा को, और ये जो आर के पचनंदा जो है पहले जो HSC जो है HPSC इसके चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए कितनी नई योजनाओं को मंजूर किया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 218 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है यहाँ पर नारनौंद में, और हिसार ज़िले में आता है नारनौंद, तो इसके राखीगढ़ी जो गांव है इसमें इंटरनेशनल म्यूजियम ये बनाया जा रहा है। और हिसार जो जिला है इसमें ही सरस्वती और देशवती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, और यह जो है दुनिया के सबसे बड़े पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से भी एक है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा किस्मादी का मेला लगता है? तो कौन सा जिला है जिसमें नागा बाबा किस्मादी का मेला लगता है? तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर अंबाला में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए कितने लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा की है? तो ये रखे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 5 लाख रुपये, और यह पैसा उस राशि में दिया जाएगा जो खिलाड़ियों के ओलंपिक खेलों में शामिल होने पर 15-15 लाख का इनाम देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य में अब मेडल विजेता खिलाड़ी को HCS HPS के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी? तो अब किस राज्य में? तो यह है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा में अब जो मेडल विजेता जो है किसी भी खिलाड़ी को HCS HPS के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, और अधिकतम खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर ही नियुक्ति मिल सकेगी। और जो है अब सेवा नियम 2021 में यह प्रावधान किया गया है, उसके तहत अब खेल विभाग में ग्रुप ABC के 550 नए पद भी निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर हरियाणा ओवरऑल चैंपियनशिप बना है? तो ये जीते गए हैं यहाँ पर 55, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पद्म भूषण से सम्मानित किस हरियाणवी हस्ती का फरवरी 2021 में निधन हो गया है? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर दर्शनलाल जैन। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले और पद्म भूषण से सम्मानित दर्शनलाल जैन का फरवरी 2021 में 94 साल की जो आयु है इसमें निधन हो गया है, और दर्शनलाल जैन के प्रयासों में से ही सरस्वती पुनरुद्धार योजना शुरू हुई और सरस्वती बोर्ड का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है? तो ये जो आधारशिला है ये रखी गई है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरियाणा के ICAR की मुर्रा भैंस ने एक ब्यात में कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज़्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी 4810 किलो, और आमतौर पर जो है 2800 किलोग्राम तक दूध ही देती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सिंधड़ और लोहारी रागो गांव में हर्बल पार्क बनाए गए हैं? तो ये है यहाँ पर हिसार में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग व आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में पंचायती राज के लिए कितने लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किन दो जिलों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड स्पोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल रन किया गया? तो ये किया गया है पंचकुला और गुरुग्राम में, और इस सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य के किसी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी? तो 112 नंबर जो है अब ये जारी किया गया है इमरजेंसी सेवाओं के लिए। नेक्स्ट आएगा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन
ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 3। इनमें हरियाणा की मनु बाकर ये शूटिंग से संबंध रखती है, विनेश फोगाट रेसलिंग, और रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के बतौड़ गांव का जिक्र किया है? तो ये है पंचकुला में, ऑप्शन डी। और ये जो बतौड़ गांव है, इसने 5 तालाब बना करके दूषित पानी को सिंचाई लायक बनाया है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 52वें नंबर का। और ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, ये हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह जो लक्ष्य है, ये रखा गया है यहाँ पर 2029 तक। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर में फरवरी से संबंधित कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे अगला जो मंथ है मार्च का, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।